मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जनपद चमोली में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वेक्षण करते हुए हालातों का जायजा लिया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट व थराली विधायक भूपाल राम टमटा भी उनके साथ मौजूद थे। हाईवे सर्वेक्षण के बाद ग्वालदम में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार अतिवृष्टि से पूरे देश में भारी नुकसान हुआ है। चमोली में आपदा प्रभावित क्षेत्र नारायणबगड़, थराली, देवाल तथा ग्वालदम का आज एरियल सर्वे किया गया। उनके स्थानों पर भूस्खलन, जमीन व मकान धंसने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। परिसंपत्तियों व फसलों का भी भारी नुकसान हुआ है। अधिकारियों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस विषय पर केंद्र सरकार से भी वार्ता की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ है, आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। चमोली से संवाददाता विनोद भंडारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। थराली के आसपास का क्षेत्र, ग्वालदम के आसपास का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों का अभी एरियल सर्वे किया है और अब यहाँ चूंकि अधिकारियों से भी बात हुई, जिला प्रशासन के लोगों से भी, हमारा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी स्थिति सामान्य हो और जो आपदा के हमारे प्रभावित हैं उन सभी को मदद हो, उनकी सहायता हो, क्योंकि इस बार की आपदा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अनेकों स्थानों पर भूस्खलन, मकानों का धंसना, मकान टूट जाना, पुल टूट जाना, जनहानि, पशु हानि, फसलों की हानि हुई है और इस पर केंद्र से भी हमने बात की है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी स्थितियों को सामान्य किया जाए, जनजीवन सामान्य किया जाए, लोगों की मदद की जाए। उस काम को हम लोग कर रहे हैं और लगातार जहां भी जा रहे हैं वहां इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और प्रयास है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि बरसात जैसे ही समाप्त होती है, पुनर्निर्माण और जो निर्माण से संबंधित काम है, मरम्मत के काम है, वो तत्काल करें।